Hello guys myself Yogin Sharma from Fair English Classes. Today I will teach you the second chapter of your book Flamingo Lost Spring. Actually there are two parts in this chapter. First one is Sometimes I find a rupee in the garbage and the second one is I want to drive a car. So I am going to teach you the first uh, part. Before teaching first part I want to tell you something about द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर अनीस चंग अनीसंग वॉज बॉर्न इन राउर किला राउरकला वो पैदा हुई थी एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद और हैदराबाद में उन्होंने का बचपन और युवावस्था भी थी किशोरावस्था भी थी सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त करी हर पेरेंट्स बरबोथ राइटर्स उनके माता पिता दोनों ही लेखक हुआ करते थे अनीसंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया अनिसंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड तो भारत में और विदेशों में भी वह जो बड़े बड़े अखबार हुआ करते थे उनमें एडिटर और जो मुख्य रूप से जो स्तंभकार होते हैं उनका काम किया करती थी एंड हिज एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स और बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी भी थी द फॉलोइंग इज एन एक्स एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग जो फॉलोइंग जो अब चलने वाला है वो उनकी जो लॉर्स स्प्रिंग एक बुक है जिसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो बीता हुआ कहने का मतलब छीना हुआ जो बचपन है उसकी कहानियाँ हैं उसमें से लिया गया है वो पार्ट हेयर्स सी एनालिस द ग्रेंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन और इसमें जो गरीबी है और जो पारंपरिक आ, एक गरीबी है जिसका वो एनालाइज करती हैं कैसे कि किस तरह से बच्चों का जीवन में शोषण होता है नाउ आई कम टू द पार्ट समाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज कभी कभी मुझे गारबेज में कूड़े के ढेर में रुपये मिल जाते हैं तो इसमें एक छोटी सी जो कहानी है एक्चुअली क्या नेरेटर इसके खुद ये राइटर हैं और इनकी एक मुलाकात होती है साहिब नाम के लड़के से जो कि गारबेज में पैसे आदि ढूंढता है तो दिक्कत कहाँ है दिक्कत ये है कि वो कहीं जाता नहीं है तो ये उससे सवाल करती हैं कि तुम क्या काम करते हो इसी काम करते हो स्कूल क्यों नहीं जाते हो कहता है कि मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है ये कहती हैं कि यदि मैं स्कूल बनाऊं तो उसमें आओगे कहता है कहाँ बिल्कुल आऊँगा तो काफ़ी समय इन, इन इनका मिलना जुलना चलता है आखिर में ऐसा होता है कि ये साहिब है एक टी स्टॉल पर काम करने लगता है तो अंत में ये महसूस होता है कि जब ये टी स्टॉल पर काम करता है तो कुछ अलग प्रकार का इसका लुक आता है और जब ये पहले गार्बेज को पिकअप करता था तो अलग प्रकार का लुक था मींस जब गार्बेज पिकअप करता था तो ये अपना मास्टर था स्वयं की इच्छा से काम करता था अब क्योंकि टी स्टॉल पर है तो वैसे अपने ओनर की इच्छा से काम करना पड़ता है चलिए देखते हैं वर्ड बाई वर्ड तो क्या है वाई डू यू डू दिस तुम ऐसा क्यों करते हो आई आस्क साइव होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग इज क्राउन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड कहती है कि तुम यह क्यों करते हो मैंने साहिब से पूछा जिसे मैं प्रतिदिन जिसका प्रतिदिन मुझसे एनकाउंटर मीन्स आमना सामना होना आमना सामना होता था कब जब वो सुबह सुबह जो गार्बेज का डंप था कूड़े का ढेर था मेरे पड़ोस में उसमें से गोल्ड चुरा रहा होता था मीन्स पैसे बीन रहा होता था साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो साहिब ने काफी लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था सेट एमडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी मीन्स ढाका के हरे खेतों में जो उसका स्थित घर था हा? उसका घर कोई अब दूर की याद नहीं था उसके लिए देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम हिज मदर टेल्स तो उसकी माँ उसको यह बात बताती है अब कि बहुत से तूफान आए जिससे उनके घर और खेत दोनों बह गए तूफान उनको बहा ले गए दैट्स वाई दे लेफ्ट यही कारण है कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स और उस बड़े शहर में सोना ढूंढने के लिए अर्थात तो रुपया ढूंढने के लिए आ गए जहाँ वे अब रहते हैं आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे लुकिंग अवे दूर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं और बाकी गो टू स्कूल आई से glibly, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ hollow the द एडवाइस मस्ट साउंड तो बड़ी चतुराई से मैंने कहा कि स्कूल चले जाओ लेकिन रियलाइजिंग इमीडिएटली तुरंत ही मुझे यह आभासा हुआ महसूस हुआ कि मेरे शब्द शायद उसके लिए जो मेरी सलाह है एडवाइस है उसके लिए कुछ होलो हॉलो मीन्स खाली से प्रतीत लगे होंगे खाली से प्रतीत हुए होंगे देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड दे बिल्ड वन आई विल गो तो साहेब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है जब स्कूल बन जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोकिंग तो मैंने कुछ मजाक सी करते हुए उससे कहा कि यदि मैं अपना स्कूल शुरू करती हूँ तो तब तुम आओगे यस ही सेज स्माइलिंग ब्राउडली तो बहुत ही भारी गहरी मुस्कान के साथ कहता है कि यस बिल्कुल लाऊँगा ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ करके आ रहा है इज योर स्कूल रेडी और पूछा उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है तुम्हारा स्कूल बन गया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्डर स्कूल आई सी मैंने कहा कि एक स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है और उस समय क्या महसूस हो रहा था एम्बरास्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मैंट एक ऐसा वायदा मैंने कर दिया था तो उस वादे से परेशान होकर के जो कि वास्तव में जिसको मैं पूरा भी नहीं करना चाहती थी बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरे जैसे वादे शायद उसके उस जो संसार था उसका काला संसार था खाली संसार था उसमें भरे पड़े थे आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम तो उसको जानने के तकरीबन एक दो महीने बाद आई आस्क हिम हिज नेम एक दो महीने बाद तो उसका नाम पूछा साहेब ए आलम ही अनाउंसिस और उसने बड़े घोषणा की उसकी कि मेरा नाम क्या है साहेब ए आलम ही डजेंट नो वाट इट मीन्स हालांकि वो इसका मतलब भी नहीं जानता है उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है इफ ही न्यू इट्स मीनिंग यदि वह इसका नाम जान पाता और उसका नाम क्या था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड का स्वामी उसके नाम का अर्थ है ये ही वुड है हार्ड टाइम बिलीविंग इट तो उसे इस पर विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती मुश्किल से ही वो विश्वास कर पाता अन अवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स तो अन अवेयर का मतलब अनवेयर का मतलब अनजान इस बात से अनजान की उसके नाम का क्या मतलब है वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है एन आर्मी ऑफ बेयर फूट हु अपियर लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स एंड डिस एट नून एक उस प्रकार के एक नंगे पैरों वाले बच्चों की ऐसी सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह लग रही है और जैसे कि सुबह को वो दिखाई देते हैं एंड डिसपियर एट नून और दोपहर को गायब हो जाते हैं डिसपियर गायब होना ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम महीनों के बाद मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी वाई आर एन यू वियरिंग चप्पल सा यास्क वन तो उनमें से मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है तुमने माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ही आंसर सिंपली तो उसने बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया उसने कहा कि मेरी माँ ने उसको सेल्फ से जो टांड बोलते हैं जिसको कि सेल्फ से उनको उतार करके नहीं दिया इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स एन अदर हु इज़ वियरिंग सूज दैट डू नॉट मैच तो एक दूसरा जिसने जूते पहने हुए थे और जो एक जैसे नहीं थे उसने कहा कि इवन इफ सी डिड he will throw them off कि यदि वो उतार भी देती हैं तो ये उनको फेंक देता किसने कहा एट्स एनोदर हुई इज वियअरिंग सूज दूसरे ने जो जूते पहने हुए हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं वेन आई कमेंट ऑन इट और जब मैंने इस पर एक टिप्पणी की उस पर कुछ बोला ही सफल his फीट एंड सेज़ नथिंग तो उसने अपने पैर तो बदले सफ़ल का मतलब एक पैर से दूसरे पैर पर जाना तो पैर तो उसने बदला अपने लेकिन कुछ नहीं कहा आई वांट सूज मुझे जूते चाहिए सेज ए थर्ड बॉय हैज नेवर ओ ए पेयर ऑल हिज लाइफ एक तीसरे लड़के ने ऐसा कहा जिसने कभी जूते अब पूरे जीवन में अपने पहने ही नहीं थे ट्रैवलिंग एक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बियर फूट तो देश का भ्रमण करते हुए मैंने शहरों में बच्चों को नंगे पैर देखा था घूमते हुए देखा था इन सिटीज ऑन विलेज गाँव की सड़कों पर भी देखा था विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी इसमें पैसे की कमी नहीं थी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फूट इज़ वन एक्सप्लेनेशन लेकिन स्पष्टीकरण क्या होता था जब कि इससे पूछा जाता था कि नंगा रहना नंगे पैरों रहना एक परंपरा होती है ट्रेडिशन है उनकी केवल आई वंडर और मुझे आश्चर्य होता था मैं हैरान होती थी इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कि यह क्या यह लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का कोई बहाना है क्या क्या कोई ये एक केवल एक्सक्यूज़ है आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उडी पी के एक आदमी ने सुनाई थी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट कि जब वह छोटा था तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था जहाँ उसका जो फादर था वो प्रीस्ट था पुजारी था ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल कुछ समय के लिए वह मंदिर पर रोका करता था थोड़ी देर के लिए एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ सूज और एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था वो थर्टी ईयर्स लेटर तीस वर्ष बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल मैंने उसके कस्बे को और उसी मंदिर को विजिट किया कहने का मतलब मैं वहाँ पर गया उस मंदिर में गया देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स वहाँ पर अब क्या क्या पड़ा हुआ था क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स वहाँ पर अब लाल रंग की और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म एक लड़का जो कि फीके रंग की ड्रेस पहने हुए था ग्रे रंग की ड्रेस पहने हुआ था वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ उसने सॉक्स भी मतलब मोजे भी पहने हुए थे और जूते भी पहने हुए थे अराइव्ड पेंटिंग हाफ़ता हुआ वहाँ आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड और उसने अपना स्कूल वाला बैग जो था फोल्डिंग वाली चारपाई पर फेंक दिया लुकिंग एट द बॉय तो उस लड़के की तरफ देखते हुए बच्चे की तरफ़ देखते हुए आई रिमेंबर्ड द प्रेयर एन ऑदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस वैन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ सूज तो उसको देखते ही मुझे एक लड़के दूसरे लड़के द्वारा जूतों की जोड़ी के लिए देवी से वो की गई प्रार्थना याद आ गई जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल ही गए थे लेट मी नेवर लूज देम तो उसने क्या कहा था कि मुझे ये जूते कभी नहीं खोने कभी नहीं खोने देना ये जूते द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर देवी ने शायद उसकी प्रार्थना को ग्रांट कर दिया था मान लिया था यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाव वोर शूज अब वो नौजवान लड़के उस पुजारी के बेटे की तरह ही जूते पहनते थे बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूज लेकिन मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वाले बच्चों की तरह ही कुछ और भी थे जो बिना जूते के ही रहते हैं माई अकाउंटेंस विद द बेयर फूट पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी तो इन छोटे बच्चों के साथ जो रैग पिकर्स थे जो कागज़ बीनने वाले थे कचरा बीनने वाले थे इनके साथ जो मेरी पहचान थी जो नंगे पैर वाले बच्चे थे ये पहचान मुझे कहाँ तक ले गई लीड्स मी टू सीमापुरी तक ले गई ए प्लेस ऑन द पैरी पैरी ऑफ डेली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट दिल्ली का एक ऐसी जगह जो लेकिन फिर भी इससे मिलों दूर है वो दिल्ली की जगह फैरी फेरी कहते हैं एक वृत्ताकार के लिए तो वृत्ताकार है लेकिन उससे दूर है तो दो लिव लिबेयर जो लोग यहाँ रहते हैं आर स्क्वाटर्स कैसे हैं वो स्क्वेटर्स ऐसे होते हैं जो आ, किसी भूमि पर बिना अधिकार के रहते हैं जिनका कोई अधिकार नहीं रहता है हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन नाइनटीन जो बांग्लादेश से उन्नीस में आए थे साहिब फैमिली इज अमॉन्ग देम साहिब का परिवार भी उनमें से एक है सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस उस समय सीमापुरी एक जंगल था इट स्टिल इज अब भी जंगल है बट इट इज़ नो लॉन्गर एम लेकिन अब वो इतना खाली नहीं है इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूप्स ऑफ टिन एंड टेरपोलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव टेन थाउजेंड रेगपेकरस तो क्या चीज़ है वहाँ पर कि जो मिट्टी के हैं टीन और आ, कुछ जो आ, पुताई की हुई छतें हैं छतों वाले जो ढांचे हैं जिनमें न तो सीवरेज नालियां हैं ना, है, ना नल का पानी है वहाँ पर कितने लोग रहते हैं दस हज़ार कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी वे यहाँ तीस वर्ष से अधिक समय से भी बिना किसी पहचान के बिना किसी आइडेंटिटी बिना किसी पहचान के विदाउट परमिट बिना किसी परमिट के आज्ञा के बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लेकिन पहचान पहचान तो कोई तो नहीं थी लेकिन राशन कार्ड के साथ जरूर रह है रहे हैं जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में है लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन और उसकी सहायता से वो अनाज भी खरीद सकते हैं इनेबल फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी और कहा जाता है कि जीने के लिए पहचान से अधिक किसकी आवश्यकता होती है भोजन की आवश्यकता जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach यदि हम दिन के अंत में अपने परिवारों को कुछ खिला सकते हैं और बिना खाली पेट के दुखते हुए सो जाएं तो तो क्या होगा तो क्या हो सकता है तो वी वुड रादर लिव हेयर देन इन फील्ड देन गेव अस नो ग्रेन तो जाने की बजाय तो हम उन खेतों में जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया तो हम उनमें जाने की बजाय यहां रहना पसंद करेंगे से ग्रुप ऑफ वूमेन इन टैटर्ड सारीज वेन आई आस्क देम वाई लेफ़्ट दे आर ब्यूटीफुल लैंडस ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स तो ऐसा किसने कहा एक महिला ने जिसने एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी जब मैंने उससे पूछा कि उन्होंने अपना हरी भरी ज़मीन को और जो कि नदियाँ भी थी वहाँ पर उसको वो क्यों छोड़ करके यहाँ आ गए तो उसने ऐसी बात कही थी वेअर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दे आर टेंट्स जहाँ भी कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है वहीं वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं और दैट बिकम ट्रांसड होम्स और ये ही उनके उठाऊ घर होते हैं ये ही उनके उठाई घर बन जाते हैं चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बच्चे ही उनमें बड़े होते हैं बिकमिंग पेरेंट्स इन सॉरी बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल हैं और यहाँ तक कि जीवित रहने में भी वो सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना तो जीवित रहने में भी वो साझीदार बन जाते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक ब्रेकिंग और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है जीवित रहने का मतलब क्या है केवल बीनना है इसका मतलब सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब केवल कूड़ा बीनना है तो थ्रो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्स ऑफ ए फाइन आर्ट तो सालों के बाद यह एक कला बन चुकी थी उनके लिए जो रेगपेकरस थे गार्बेज टू टीम सॉरी दैम इज गोल्ड उनके लिए जो गार्बेज है गार्बेज बोले तो कचरा उनके लिए एक तरह से सोना है इट इज़ देयर डेली ब्रेड ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ तो उनके लिए यह रोज का खाना उनके सिरों पर छत चाहे वह ठपकती टपकती हुई छत ही क्यों ना हो यह उनके लिए डेली का नियम बन चुका है बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर लेकिन बच्चे के लिए तो यह और ज़्यादा बढ़ कर के है आई समाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए टेन रुपी नोट साहिब सेज इज हिज आई लाइटिंग अप वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गारबेज तो साहिब क्या कहता है कि कभी कभी मुझे कई बार एक रुपया मिल जाता है एक दस का नोट भी मिल जाता है साहिब कहता है कि हिज लाइट लाइटिंग हिज आई लाइटिंग अप उसकी अपनी चमकती हुई आँखों के साथ वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गारबेज जब आपको कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाए यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग हैं तो आप उसमें और खोजे बिना नहीं रह सकते फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर क्योंकि और ज़्यादा चाहने की आशा और ज़्यादा मिलने की आशा होती है इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गारबेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स और इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माँ बाप से अलग है फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर बच्चों के लिए उसमें एक तरह से एक अजूबा छिपा हुआ होता है फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल जबकि बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन होता है वन विंटर मॉर्निंग एक जाड़े की सुबह को क्या होता है आई सॉ साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंसड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब मैंने साहिब को पड़ोस के एक क्लब के गेट के पास खड़े हुए देखा वॉसिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस हैं और वो क्या कर रहा था कि दो जो यंग मैन थे उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था आई लाइक द गेम ही हम्स हम्स गुनगुनाना धीरे से कहना तो वह धीरे से कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस हैं और वो जो फैंस थी चार दीवारी थी उसके पास खड़े होते हुए खेल कर खेलते हुए देख करके ही वो उनको संतुष्ट हो रहा था संतुष्ट था उनको देख कर के आई गो इनसाइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स और इस बात को स्वीकार करता है कि जब कोई अंदर नहीं होता है कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग और जो गेट कीपर है जो चौकीदार है मुझे झूले का प्रयोग करने देता है साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ ट लुक्रेंज ओवर शर्ट एंड शॉर्ट्स तो साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए टेनिस के जूते पहनता है जो उसकी जो फीकी पड़ चुकी कमीज है और उसका जो नेक्कर है शर्ट एंड शॉर्ट नेक्कर और कमीज़ हो गए तो उनके साथ अजीब लगते हैं सम वन गेव दैम टू मी बताता है वो ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेन एक सफाई देने के लहजे से कहता है कि, कि किसी ने मुझे ये दिए थे द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय और तथ्य क्या है वास्तविकता क्या है कि वे किसी धनवान बच्चे के फेंके हुए छोड़े हुए त्यागे हुए जूते थे डिस्कार्ड मतलब त्यागे हुए हु रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम जिसने शायद उनमें से किसी एक में छेद होने के कारण उसको पहनने से मना कर दिया था इनकार कर दिया था डज़ नॉट बॉर्डर दैम लेकिन इस बात से भी उसको कोई परेशानी नहीं थी किसको साहिब को साहिब को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी फॉर वन हुडर फूट इवन शूज विद इज ए ड्रीम कम ट्रू और उस बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो सुराग वाले जूते भी उसका सपना साकार होने जैसे हैं बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच लेकिन वह खेल जिसको वह इतने ध्यान से देख रहा है इंटेंटली इरादे से देख रहा है वह उसकी पहुँच से बाहर था दिस मॉर्निंग इस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर तो इस सुबह साहिब क्या करता है कि दूध के बूथ के रास्ते में जा रहा है उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज तो वो कहता है कि अब मैं जो रोड पर स्थित चाय की दुकान है उस पर काम करता हूँ पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस वह कुछ दूर संकेत करते हुए कहता है आई एम पेड एट हंड्रेड रुपीज एंड ऑल माई मील्स मुझे भोजन के साथ आठ सौ रुपये मिलते हैं डज ही लाइक द जॉब आई आस्क मैंने पूछा उससे कि क्या उसे अपना जॉब पसंद है हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक तो जो मैंने महसूस किया जो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जो लापरवाही के भाव होते थे वो अब जा चुके थे खो चुका था वो द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज सोल्जर अब जो स्टील का डिब्बा था उस प्लास्टिक की थैली से भारी दिखता हुआ प्रतीत होता था जो वह पहले कंडे सॉरी कंधे पर लटकाए रखता था तो उससे ज़्यादा भारी लग रहा था वो प्लाटीन का जो सॉरी स्टील का कैनिस्टर था द बैग वाज हिज अब वो क्यों लग रहा था क्योंकि वो बैग उसका था बैग भारी नहीं लगता था बैग उसका था कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप जबकि वो स्टील का जो डिब्बा था वो उस चाय वाले का था चाय वाले का था जिसकी वो दुकान थी साहेब इज लॉन्ज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहेब अब उसका अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था तो गाइस मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की ये फर्स्ट पार्ट रहा आपका इट वॉज़ द फर्स्ट पार्ट आई एक्सप्लेन बिफोर यू समझता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा थैंक्स